अगर बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आप मेहनत की अहमियत को नहीं समझेंगे। वेल, इस वक्त प्रतीक सहजपाल ने ये डीप बात कही है और किस लिए कही है और क्या कुछ पूरा माजरा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिरे स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतीक सहजपाल की। इस वक्त एक पोस्ट वायरल हो रहा है जो कि ई टाइम्स ने शेयर किया है। ई टाइम्स के एक इंटरव्यू के दौरान प्रतीक से उन्हीं के एक वीडियो को लेकर रिएक्शन मांगा गया। देखिए, जब सेलिब्रिटीज को लेकर मीम्स बनते हैं, उनके वीडियोस वायरल होते हैं, तो सबसे ज्यादा अवेटेड रिएक्शन होता है कि उस खुद उस सेलिब्रिटी का क्या रिएक्शन है उस पर्टिकुलर मीम पर या उस वीडियो पर। ऐसे में एक वीडियो सामने आ रहा है जहां प्रतीक को दिखाया गया उनका और शमिता का एक बड़ा ही प्यारा सा फोटो, जहां शमिता उन्हें कंसोल करती नजर आ रही है। बिग बॉस के घर की ये वीडियो है और इसको देखने के बाद प्रतीक ने किस तरीके से शमिता के बारे में कहा है, शमिता ने कितना उन्हें संभाला समझाया, चलिए आपको दिखाते हैं प्रतीक की झलक। एक चीज यही बोलूंगा कि यार देखो, जिन्होंने समझना है, जिन्होंने प्यार देना है वो देंगे। शमिता यहां पे मेरे को गले लगाई, उसने शी ट्रस्टेड मी। तो जो लोग प्यार करने वाले वो प्यार करेंगे, जो नहीं समझने वाले वो कभी नहीं समझेंगे यार, इट्स ओके। तो ऑब्वियसली बुरा लगता है कभी कभार कि मिसअंडरस्टूड रहा हूँ मैं, बट ठीक है, कोई नहीं, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई थिंक जिंदगी में सब कुछ अगर ऐसे ही हाथों में आ जाएगा तो फिर उस चीज़ की कदर क्या होगी। तो रोना भी जरूरी है, गिरना पड़ना भी जरूरी है एंड सामना करना जरूरी है। अच्छा, देखा आपने देखा आपने यहाँ पर प्रतीक ने साफ कर दिया है कि शुरू में भले ही हमारे काफी झगड़े होते थे, बट शमिता गॉट मी एंड मैं बहुत मिसअंडरस्टूड रहा हूँ। बट हाँ, जैसा गाना भी उनका कहता है सामना ट्रैक, और वो खुद भी कहते हैं कि लाइफ में गिरना भी जरूरी है, उठना भी जरूरी है और हर चीज का सामना करना बहुत जरूरी है। सो अपने और शमिता के बॉन्ड को क्यूट बॉन्ड का टैग दे दिया है प्रतीक सहजपाल ने। आपको इस पर क्या है कहना, आप लोग बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।